भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका दौरे की शुरू हो गई है पूरी तैयारी, और इस वीडियो में आपको मिलेगी इंडिया अफ्रीका सीरीज के नए शेड्यूल की ए टू जेड सभी जानकारी। जी हां नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। साल 2021 में टीम इंडिया अपनी अंतिम सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाली है, जहां पर भारतीय टीम अफ्रीका के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारत और साउथ अफ्रीका आपस में 6 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। हालांकि पहले यह 10 मैचों की सीरीज होने वाली थी, लेकिन 4 मैचों की T20 सीरीज को COVID-19 के नए वेरिएंट के अफ्रीका में फैलने की वजह से कैंसिल किया गया है। केवल 6 मैचों की अब यहां पर सीरीज होने वाली है, और फाइनली यहां पर इस सीरीज का नया कार्यक्रम बीसीसीआई और अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया। और इस वीडियो में आपको इस सीरीज के नए शेड्यूल, वेन, न्यूज टाइमिंग, टेलीकास्टिंग, लाइव स्ट्रीमिंग यानी सीरीज से जुड़ी ए टू जेड सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और यदि आप भी भारतीय टीम के अफ्रीका दौरे को लेकर एक्साइटेड हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम आपका समय यहाँ पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले तो यहाँ पर इस दौरे का आगाज 17 दिसंबर से होने वाला था, लेकिन अफ्रीका में COVID-19 का नया वेरिएंट फैल गया है, जिसके चलते भाई सीरीज को यहाँ पर थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है, थोड़ा सा डिले यहाँ पर किया गया है। 26 दिसंबर से इस सीरीज का आगाज होने वाला है, जहां पर सबसे पहले हमें 3 मैचों की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर 3 मैचों की वनडे सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहां पर इस दौरे के पूरे शेड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के शेड्यूल की। तो 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट महामुकाबला 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच सेंचुरियन के मैदान पर खेला जाएगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेला जाएगा। उसके बाद इस सीरीज का तीसरा व अंतिम टेस्ट महामुकाबला 11 जनवरी से 15 जनवरी 2022 के बीच हमें केप टाउन के मैदान पर देखने को मिलने वाला है। टाइमिंग्स के यहां पर बात करते तो भारतीय समय अनुसार शुरुआती 2 टेस्ट महामुकाबले दोपहर 1:30 बजे से शुरू होने वाले हैं, वही तीसरा व अंतिम टेस्ट महामुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला है। उसके बाद यहां पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज के शेड्यूल की बात करते हैं तो 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे महामुकाबला हमें 19 जनवरी को पाल के मैदान पर देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा वनडे महामुकाबला हमें 21 जनवरी को पाल के ही मैदान पर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद इस सीरीज का तीसरा व अंतिम वनडे महामुकाबला 23 जनवरी को केप टाउन के मैदान पर खेला जाएगा। टाइमिंग की हम यहां पर बात करते तो भारतीय समय अनुसार तीनों वनडे महामुकाबले दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले हैं। तो कुछ ऐसा यहां पर नया शेड्यूल जारी किया गया है, जो 4 मैचों की T20 सीरीज होने वाली थी उस T20 सीरीज को फिलहाल होल्ड पर रखा गया। जी हां, आने वाले अपकमिंग फ्यूचर में मतलब अपकमिंग टाइम में यहां पर इस सीरीज को दोबारा से रीशेड्यूल किया जाएगा। केवल 6 मैचों की अब यहां पर सीरीज होने वाली है। पहले 8 दिसंबर को भारतीय टीम अफ्रीका दौरे के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन भाई अब जो लेटेस्ट अपडेट्स उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर को इस दौरे के लिए भारतीय टीम रवाना होगी, और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर इस सीरीज का पूरा शेड्यूल भी स्क्वाड्स भी यहां पर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। और जैसे ही भारतीय टीम के स्क्वाड्स आ जाते हैं तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम का पलड़ा रहेगा इस सीरीज में, भारी भारत या फिर अफ्रीका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.